मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली दौरे पर हैं, जहां वो संत श्री रविदास जी समरसता यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो समरसता यात्रा में सम्मिलित होने वाले संतों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने समरसता यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा आज नीमच, मांडवधार, श्योपुर, बालाघाट और सिंगरौली में निकाली जा रही है। इसका समापन सागर में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उन्होंने समरसता का संदेश दिया। उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा भाव से एक ऐसा इतिहास रचा कि कई राजा और रानी उनके शिष्य थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार संत रविदास जी का भव्य मंदिर सागर में बनाने जा रही है। इसकी घोषणा मैंने संत रविदास जयंती पर की थी, अब वो घोषणा साकार हो रही है। सीएम ने कहा कि ये 5 यात्राएं प्रदेश के 5 कोनों से प्रारंभ हो रही है। ये यात्राएं गांव की मिट्टी और हर ब्लॉक से नदियों का जल एकत्रित करती हुई एवं सामाजिक समरसता का संदेश देती हुई सागर में समाप्त होंगी। सीएम ने कहा कि 12 अगस्त को संत रविदास महाराज के मंदिर का भूमि पूजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आ रहे हैं। सरकार संत रविदास जी का एक भव्य स्मारक मंदिर सागर में बनाने जा रही है। संत रविदास जी की जयंती के कार्यक्रम पर मैंने ये घोषणा की थी और अब वो घोषणा साकार हो रही है। 5 यात्राएं प्रदेश के अलग अलग 5 कोनों से आज प्रारंभ होंगी। गांव की मिट्टी, हर एक ब्लॉक से नदियों का जल एकत्रित करती हुई, सामाजिक समरसता का संदेश देती हुई ये यात्राएं सागर में समाप्त होंगी। 12 अगस्त को संत रविदास जी महाराज के मंदिर का भूमि पूजन होगा, स्मारक बनेगा और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है और आनंद है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं और यात्राएं आज से प्रारंभ होगी। एक यात्रा सिंगरौली से मैं भी प्रारंभ करूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।